वंदे मातरम साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उपवास की। आखिर ये उपवास क्या है और क्यों किया जाता है। साधारणतया आप और हम कभी कभी जब हमारे घर में कोई विशेष त्यौहार होता है, कोई विशेष पर्व होता है, तो ऐसे उपलक्ष्य में आप और हम व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं। इन उपवास करने के आयुर्वेद में कुछ नियम बताए गए हैं। क्या है ये उपवास, क्यों करते हैं ये उपवास और आयुर्वेद में इसके क्या नियम हैं, इसको करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, इन सारे विषयों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उपवास शरीर शुद्धि की क्रिया है जिसमें तन, मन और चित्त तीनों शामिल हैं। 7 दिन में 1 दिन उपवास करना बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन उस दिन समय समय पर आपको पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप पानी अगर नहीं पीते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, इससे डिहाइड्रेशन होने का खतरा बन जाता है। इसलिए आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहिए। शरीर में भोजन की अधिकता को संतुलित करने के लिए उपवास का नियम बनाया गया है। उपवास के दिन भी पेट में एसिड बनने की क्रिया चालू रहती है, जिसे न्यूट्रल करने के लिए आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। उपवास के समय भी आपके शरीर में एसिड बनने की क्रिया चालू रहती है, जिसके लिए आपको इसको न्यूट्रल करना पड़ता है, और न्यूट्रल करने के लिए आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए, पेट में जो एसिड बनता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl कहते हैं। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं या जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको इस केमिकल के बारे में पता होगा कि ये केमिकल अगर डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में वो अच्छे से जानते होंगे। इस एसिड को काफ़ी ख़राब एसिड माना जाता है। पानी नहीं पीने से ये एसिड आपकी आंतों को जला सकता है, आपकी आंतों में कुछ विकार पैदा कर सकता है, उनको इन्फेक्टेड कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपका शरीर गंभीर बीमारियों का शिकार बन सकता है। शरीर के किसी भी अंग का परमानेंट डैमेज होने पर वो रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए आंतों में जिसमें इसलिए इस तरह की गलती आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंतों में अल्सर, पेप्टिक अल्सर या घाव बन सकता है, जिसके कारण अधिक गंभीर स्थिति में आंतों को काट कर निकाला जा सकता है। इसलिए आप निर्जला उपवास बिल्कुल भी ना करें। शाकाहारी खाना खाने वालों के लिए ज़्यादा लंबा उपवास अच्छा नहीं माना गया, लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनके लिए लंबे उपवास करने चाहिए। आपको एक जानवर के उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। एक जंगलों में एक अजगर नाम का सांप पाया जाता है, और जो अपने भोजन करने के लिए पूरा शिकार निगल जाता है, चाहे वो छोटा या बड़ा कैसा भी हो, वो उसको निगल जाता है। निगलने के बाद उसको पचाने के लिए उसको लगभग 15 दिनों का समय लगता है, और 15 दिनों तक वो उपवास करता है, 15 दिनों तक वो भोजन नहीं करता या दूसरा शिकार नहीं लेता। इसलिए मांस खाने से शरीर में एसिड उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां मंद पड़ जाती हैं, जिसके कारण उपवास वाले दिन भी एसिड कम रिलीज होता है। लंबे उपवास के समय लौंग, मूंग की दाल या घी को पानी में डालकर पीना चाहिए। पानी को उबालकर थोड़ा चूना डालकर आप उसमें पी सकते हैं। 1 दिन खाना और 1 दिन उपवास लंबे उपवास की स्थिति में बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा करने से थोड़े दिन तकलीफ आएगी, लेकिन बाद में एसिड भी इसी के हिसाब से निकलेगा। खेत में जो काम करने वाले किसान हैं या अधिक परिश्रम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक या इस तरह के जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, उनके लिए उपवास नहीं बना है, उनको उपवास नहीं करना चाहिए। व्रत के दिनों में पानी में गाय का घी डालकर सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिश्री या शहद को भी पानी के साथ लिया जा सकता है। उपवास के समय में आप पानी में गुड़, नींबू या फिर शहद डालकर भी ले सकते हैं। अगर इस तरह से आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय ये उपवास आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगर आप भी उपवास करते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है। वीडियो आपने देख लिया तो अब आप समझ गए होंगे कि उपवास आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है, किस कंडीशन में या किस परिस्थिति में आपको उपवास करना चाहिए और किस परिस्थिति में आपको उपवास नहीं करना चाहिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी हो सकता है उनके लिए नई हो और उनके बहुत काम की हो। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।